अगर आप रेशम और सूती साड़ी, स्कार्फ, शॉल इत्यादि के शौकीन हैं, तो आपने मणिपुर का नाम जरूर सुना होगा। मणिपुर जिसमें पिछले 50 दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। मणिपुर नफरत, दंगों और हिंसा से धधक रहा है। चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इस हिंसक प्रदर्शन में किसी ने अपना बेटा खोया होगा तो किसी ने अपना बाप, किसी ने अपना घर खोया होगा तो किसी ने अपना परिवार। इस सब के बावजूद भी यह हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तक मणिपुर हिंसा में लगभग 110 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लगभग हजारों घर परिवार अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मणिपुर में हो रही इस हिंसक प्रदर्शन के पीछे की असल वजह क्या है? क्यों मणिपुर के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं? क्यों मणिपुर आग के गोलों की तरह धधक रहा है? और क्यों मणिपुर में बेकसूर लोगों की जान जा रही है? इन सब चीजों के पीछे की वजह जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो खबरदार विश्लेषण। इस शो में हम विश्लेषण करेंगे मणिपुर में हुई हिंसा का, लेकिन आपको बताएंगे कि मणिपुर में हुई हिंसा के पीछे की असली वजह क्या है। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो खबरदार विश्लेषण। भारत का एक छोटा सा राज्य मणिपुर जो अपनी हस्तकला और टूरिज्म के लिए जाना जाता है। अगर राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो मणिपुर मात्र 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। अब बात करेंगे मणिपुर में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के पीछे की वजह। तारीख थी 27 मार्च, जब मणिपुर हाईकोर्ट ने मणिपुर सरकार को निर्देश दिए और कहा कि वह मैतई समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक सिफारिश सौंपे। ऐसा माना जाता है कि मणिपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद से ही मणिपुर के गैर मैतई समुदाय नागा और कुकी, जो पहले से ही अनुसूचित जनजातियों की सूची में हैं, उनके बीच काफी चिंता पैदा हो गई थी, जिसके बाद बीते 3 मई को हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में एक मार्च निकाला गया था। इस मार्च के दौरान जातीय हिंसा भड़क उठी, जिसमें लगभग 60 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल होने के साथ साथ हजारों लोग विस्थापित भी हुए। मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति हमें भी बहुत सहानुभूति है, लेकिन नागा और कुकी समुदाय के लोग आखिर हाईकोर्ट के इस फैसले का विरोध क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह पर भी गौर करते हैं। तो नागा और कुकी समुदाय द्वारा हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करने के पीछे कई वजह हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सुनवाई के दौरान मणिपुर में हुई हिंसा को एक मानवीय समस्या बताया था। अदालत ने कहा था कि किसी समुदाय को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित करने की शक्ति हाईकोर्ट के पास है ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है। अब आपको नागा और कुकी समुदाय का इस पूरे मामले पर विरोध क्या है और क्यों है वह बताते हैं। पूर्वोत्तर भारत का मणिपुर राज्य पहाड़ी और घाटी के इलाकों में बटा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में नागा, कुकी और मिजो जनजाति की आबादी ज्यादा है और घाटी में मैतेई समुदाय के लोगों की तादाद बड़ी है। मणिपुर को पहाड़ी इलाके वाला राज्य माना जाता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में घाटी के मुकाबले बहुत कम आबादी रहती है और मैतेई समुदाय के लोग हमेशा से मांग करते रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन नागा और कुकी समुदाय को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो उनका हक छिन जाएगा, क्योंकि राज्य में 50% से ज्यादा आबादी मैतेई समुदाय की ही है। दरअसल मणिपुर में मैतेई समुदाय के लोग राजनीतिक और आर्थिक तौर पर भी ज्यादा ताकतवर हैं और 60 सीट वाली मणिपुर विधानसभा में 40 सीटें घाटी से ही आती हैं, जहां मैतेई बहुतायत में हैं और बाकी 20 सीटें पहाड़ी इलाकों में हैं। नागा, कुकी समुदाय ये मानते हैं कि अगर मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया तो राज्य में जमीन के अधिकारों को लेकर संघर्ष बढ़ जाएगा और बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को इसका फायदा मिलेगा। फिलहाल घाटी में रहने वाले लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद मैतेई ऐसा कर सकेंगे। इसके साथ साथ पहाड़ी इलाकों में रहने वाले समुदाय के लोग राज्य सरकार के कुछ फैसलों का भी विरोध कर रहे हैं।
दरअसल राज्य सरकार का मानना है कि म्यांमार से गैरकानूनी तरीके से सीमा पार कर आ रहे लोग गैरकानूनी तरीके से मणिपुर के जंगलों में बसते जा रहे हैं और इसके चलते सरकारी जमीनों, सुरक्षित जंगलों पर भी कब्जे हो रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकारी जमीनों और जंगलों से कब्जे खाली करवाए गए और कुकी समुदाय सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है। कुकी समुदाय राज्य सरकार के इस कदम को अपने ऊपर किया गया हमला मानता है, क्योंकि म्यांमार के शरणार्थियों और कुकी वंशावली का इतिहास साझा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार ने ड्रग माफिया पर लगाम लगाने के लिए भी कई फैसले लिए, लेकिन कुछ स्थानीय समुदाय उसे भी रोजगार पर किया गया हमला ही करार देते रहे। दरअसल पहाड़ी इलाकों में अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए सरकार लोगों को हिरासत में लेती आ रही है और अफीम की फसल को नष्ट करने के आदेश भी जारी किए गए थे। राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया था क्योंकि स्थानीय समुदाय इसे अपने रोजगार से जोड़कर देख रहे हैं। बाद में नष्ट की गई खेती के मुआवजे का वादा भी राज्य सरकार ने पूरा नहीं किया और इसे लेकर विरोध भी हुआ था, जिसके दौरान अप्रैल में ही माहौल हिंसक हो गया था। मणिपुर से आ रही तस्वीरों से साफ है कि अगर मणिपुर में शांति बहाल करनी है तो बीच का कोई रास्ता निकालना होगा। मैतेई बहुल राज्य में सरकार को भरोसा देना होगा कि वह हर फैसले में नागा, कुकी और मिजो समुदाय के साथ भी खड़ी है। स्थानीय आदिवासी समुदायों में भी सरकार को अपना भरोसा जगाना होगा ताकि वे उग्र संगठनों के बहकावे में ना आए। नए उद्योग और रोजगार के साधन बढ़ाने पर भी राज्य सरकार को जोर देना होगा ताकि जमीन को लेकर रोज हो रहे आपसी संघर्ष को कम किया जा सके। और हमारी भी मणिपुर के लोगों से यही अपील है कि वह अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने रखें, सरकार को भी फैसला लेने का वक्त जरूर दें। जाहिर है हमारे द्वारा दिया गया विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और मणिपुर में हो रही हिंसक प्रदर्शन के पीछे की असल वजह भी आपको पता चल गई होगी। फिलहाल हमारे द्वारा किया गया यह विश्लेषण अगर आपको पसंद आया है तो इसको दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे विश्लेषणात्मक वीडियोस बनाने में हमें बहुत मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है और आपके द्वारा यह वीडियो शेयर कर दिया जाए तो हमें मोटिवेशन मिलता है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इसी आशा के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।